हेलो दोस्तों, कह रहे हैं कि बहुत बच्चे परेशान हैं यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं आप लोग। तो हम बता दें कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा कब, बस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देख लीजिए, यहाँ पर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कब आएगा रिजल्ट कब नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट पता होना चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है। यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है upmsp.edu.in, इसको हमेशा ओपन कीजिएगा। कोई अगर फेक वेबसाइट को ओपन मत कीजिएगा, पहले बात ये बोलना चाहूँगा। ठीक है कि ये वेबसाइट है, ठीक है, रियल वेबसाइट ये है। ठीक है, कोई फेक वेबसाइट ऐसा ही है, आप उसको ओपन मत कीजिएगा। पहले बात, वेबसाइट को नोट कर लीजिए कॉपी में, ये पहला चीज़ बता दिया। ठीक है, आप बता दें कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, ये बताना जरूरी है रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, यूपी बोर्ड में कितने छात्र हैं, यूपी बोर्ड में कितने छात्र, ये पता होना चाहिए कि नहीं। देखिए, हाई स्कूल में लगभग 31.5 लाख बच्चे हैं। ठीक है, हाई स्कूल में 31.5 लाख बच्चे हैं और इंटरमीडिएट में 27.5 लाख बच्चे हैं। टोटल मतलब लगभग 58 लाख हुआ बच्चे, टोटल 58 लाख बच्चे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉपी चेक कितना आसान थोड़ी ना है। 18 मतलब जो मार्च से पेपर चेक होना शुरू होगा इस वर्ष, मतलब इसी मार्च से। ठीक है, तो कॉपी चेक होना शुरू होगा, तो बताइए आप ही लोग बताइए कि 58 लाख कॉपी इतना जल्दी चेक हो जाएगा, नहीं ना। लगभग इसमें एक महीने का टाइम, लगभग 30 या 25 दिन का टाइम लगेगा कि नहीं। आज से जोड़िए, 18 मार्च से 25 में ऐड करेंगे तो कितना बचेगा आप लोग बताइए, कितना दिन और लगेगा इसमें। लगभग अप्रैल के लास्ट में रिजल्ट आने का मतलब लग रहा है हमको। अभी पूरा डिटेल्स नहीं बताएं कब रिजल्ट आएगा। अब देखिए, रिजल्ट तो मान लीजिए कॉपी चेक हो गया एक महीने में, मान लीजिए 25 दिन में कॉपी चेक हो गया, 10 दिन लगेगा अपलोड करने में या 5 दिन लगेगा इसको मतलब वेबसाइट चढ़ाने में। ठीक है, पूरा वेबसाइट पे चढ़ाने में 5 दिन लगेगा, लगेगा तो कितना, एक महीना हुआ ना, एक महीना हुआ से आज जोड़ लीजिए, आज कितना तारीख है, आज 12 तारीख है, 12 तारीख है आज, तो 12 तारीख से जोड़ लीजिए, 18 से कॉपी चेक होगा, तो इसमें से मान लीजिए अब अगले अप्रैल में, मार्च अप्रैल के लास्ट में लगभग 28 को रिजल्ट, 28 को आएगा, 28 को आएगा, नहीं तो मई का पहले में आएगा, ये जान लीजिएगा। पर ठीक है ना, अब देखिए इसको हम एक तरीका बताते हैं आपको, टेंशन दूर हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखिए वेबसाइट को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद देखिए कुछ नहीं करना, नीचे जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए, एक तो यहाँ पर नोटिफिकेशन कब तक भी लास्ट, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना, नीचे जाना है ना, तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन, ये भी 11 तारीख को नोटिफिकेशन डाला गया है कि क्या होगा ना, कि जिसे लिखा है कि प्रस्तुत अप्रस्तुत पुस्तक की रद्दी नीलामी हेतु सूचना, मतलब जो कॉपी चेक होगी तो उसको नीलामी होगी कि नहीं, मतलब कौन खरीदेगा उसको। देखिए, 18 तारीख से कॉपी चेक होगा, उसके पहले नीलामी, जो भी लेना चाहता है कॉपी उसको ले सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहीं पर नीलामी हेतु सूचना दिया गया है, कब, मतलब 11/3/2023 को। अगर आपको डेली इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस पर चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, और नीचे स्क्रोल करना है, और स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ एड होम स्क्रीन लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आपको देखिए, मान लीजिए हम मोबाइल पर हटे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आ गया होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ बचा, यहाँ पर यहीं पर है, इसको ओपन करेंगे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो सेम टू सेम आपको यही करना है, रिजल्ट का हम बता दी कब रिजल्ट आएगा, कॉपी कब चेक होगा, रिजल्ट कब आएगा, सबको पता चल गया। अब टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा।